स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। फिलहाल हिमांशी, हेलो हिमांशी। शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे बच्चे दिखते रहेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। जागृति, ओके जागृति, आप वहीं वो यूट्यूब से राइट लॉक की क्लासेस डर है तो शुरू करें यार आज की क्लास हम लोग। तो बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर, देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो कि हमारा मिक्स क्विज चलेगा, तो मिक्स क्विज से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हेलो सिमरन। और जैसे मेरा हमेशा कहना होता है कुछ रैंडम क्वेश्चन का एक मिक्सअप करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कितनी बातें हमने सीखी जानी समझी। तो कुछ एक क्वेश्चन आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं किसके ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा टू नंबर आर इन द रेशो 15:11 एंड इफ देयर एचसीएफ इज 13, तो बताइए कि वो नंबर क्या होंगे। और आपके ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऑप्शन आई थिंक टाइप नहीं हो पाए, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। 110, 150 और 110 है क्या ये नंबर, ठीक है। क्या ये नंबर आपके 225 और या फिर 165 है, क्या ये नंबर आपके जो है दैट इज 143, ठीक है। क्या ये नंबर आपका 143 और 195 है, क्या ये नंबर आपका 205 और 195 है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक बार सही गलत वट एवर बी योर मेथड, एक बार आप बताएं कि अगर दो नंबर टू नंबर आर इन द रेशो 15:11 एंड इफ देयर एचसीएफ इज 13, तो फाइंड द नंबर, तो बताइए ऐसे में नंबर क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द नंबर, कि ऐसे में नंबर क्या होना चाहिए। आई थिंक यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जितना इसको फील लिया जा रहा है। बहुत अच्छे अली लास्ट टाइम पे, बोधन हिमांशी एंड अली, सही है जी, आंसर सही है आपका, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, कहानी सीधी सी ये होती है कि अगर आपके सामने में कोई भी दो नंबर लिखूं, लाइक मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे 15 और 20, अगर मैं आपसे पूछूं यार इसका एचसीएफ क्या होगा, देन यू विल से कि सर इसका एचसीएफ होगा 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं पूछूं यार इसका एलसीएम क्या होगा, यू विल से कि सर इसका एलसीएम होगा 60। अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 और 20 को, तो मेरा आंसर आएगा 300। और अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 5 में अगर मैं 60 मल्टीप्लाई करूं तो 300। तो कहानी ये निकल के आती है सीधी सी कि अगर आपके सामने दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड नंबर, तो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपके दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आएगा, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आएगा, ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके बाद यहीं से एक कहानी और निकल के आती, ये तो हमने सीख ही लिया जो भी मैंने बोला। अब इसके बाद एक पॉइंट और ये निकल के आता है कि यार मान लो मैंने कोई भी दो नंबर आपके सामने लिखे 10 और 15, ये दोनों नंबर 5 के डबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 के डबल में जाएगा 2 पे, 5 के डबल में जाएगा 3 पे। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी दो नंबर ए बी है, तो अगर आप इन दोनों नंबर को इनके एचसीएफ से काटोगे, यू नो जैसे आपने 10 और 15 को 5 से काटा था तो रेशियो लिखा 2:3, तो इसी तरह अगर दो नंबर को आप उनके एचसीएफ से कट करते हो तो बदले में आपके पास रेशियो वाइज दो नंबर आ जाते हैं। और ये ए स्मॉल ए बी क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर, ये क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन नंबर। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि मान लो मेरे सामने एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, इसको इसके एचसीएफ से डिवाइड करके, एचसीएफ से डिवाइड करके इसको मैं स्मॉल ए एच और स्मॉल बी एच के सेंस में भी लिख सकता हूं। अभी कुछ बच्चों को लगेगा सर पिछला क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत आसान था, आपको इतना कुछ उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन के लिए हमें बातें पता होनी चाहिए। क्या कि मैंने बोला यार, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या स्मॉल ए एच है, कैपिटल बी की वैल्यू क्या स्मॉल बी एच है, राइट। ये स्मॉल ए बी क्या है, जैसे 10 और 15 है, 10 और 15 को अगर मैं चाहूं तो 5 × 2 और 5 × 3 भी लिख सकता हूँ, राइट। अब 10 और 15 को मैं 5 × 2 और 5 × 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 इन दोनों का एचसीएफ है, और 5 के बेसिस पे जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये जो मेरा 2:3 आ रहा है, दिस इज द को प्राइम फैक्टर, राइट ना। तो इस हिसाब से हमारे सामने एक फॉर्मूला और निकल के आता है। हमने सीखा है कि फर्स्ट नंबर में जब सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होता है। फिर मैंने ये समझा कि यार जो मेरा फर्स्ट नंबर है इट कैन बी रिटन एज एच इनटू ए,
और जो मेरा सेकंड नंबर है इट कैन बी रिटन एज एच इन टू बी। यहां पर स्मॉल ए बी क्या है, अगेन आप ध्यान रखें स्मॉल ए बी है को प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, दैट इज इक्वल टू एच इन टू एल। अब होगा क्या, एच से वाला एच कट गया मेरा, तो बचा क्या एच इन टू ए इन टू बी इज इक्वल टू एल। तो ये एक और फॉर्मूला निकल गया, इसको आप नोट कर लेना। तो आप दो फॉर्मूले याद रखना, पहला तो ऑब्वियसली कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर आता है, ये तो जाहिर सी बात है। साथ ही साथ आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना कि अगर आप एचसीएफ के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई, ए बी क्या है, ए बी क्या बोला मैंने एक बार चैट में बताना ताकि मैं श्योर हो जाऊं आप पकड़ पा रहे हो बात को। स्मॉल ए बी क्या है, को प्राइम नंबर, राइट, को प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, राइट ना, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर मैंने यार सिंपल सा पैटर्न पकड़ रखा, हालांकि नो डाउट कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सीधा बच्चा बोल सकता है कि सर दो नंबर के रेशियो लिखे हैं 15:11। जाहिर सी बात है कि सर नंबर्स को हमेशा उसके एचसीएफ से काटा जाता है, इनडायरेक्टली हम काटते हैं उसको उसके एचसीएफ से ही है। यू नो, अगर मैंने आपके सामने लिखा 30 और 40 और कोई बच्चा पहले से 5 से कट कर रहा है, 5 से कट करके 6 8 बोला, फिर 2 से कट करके 3 4 बोला, इनडायरेक्टली काटा तो 10 से ही ना, एक बार 5 से और एक बार 2 से, यानी 10 से ही कट किया, और 30 40 का एचसीएफ 10 ही होता है। तो मैं ये भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता हूं कि सर देखो दोनों नंबर का रेशियो 15:11 है, 15:11, और 13 इसका एचसीएफ है, तो सर जब मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों नंबर को, तो ये ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएंगे, ओरिजिनल नंबर लाइक 195 और 143, ये ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएंगे। एक तो क्योंकि बहुत आसान था तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा आप सीधा बोल सकते हो कि सर हमें पता है कि एचसीएफ में जब हम उसके गिवन नंबर्स के को प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम के इक्वल आता है, राइट है ना बात, एलसीएम के इक्वल आता है। और इनफैक्ट आप कह सकते हो कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, पर आई थिंक इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, यही ऑलरेडी काफी आसान तरीका जिसमें मैंने बात करी, तो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह का, ये आप बताएं सही गलत, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं कि 30-40 होगा इसका, ठीक है, या फिर इसका होना चाहिए आपका 21 और 28 होना चाहिए, या फिर इसका आपका होना चाहिए थर्टी 24 और 32, या फिर नन ऑफ दीस रहेगा, नन ऑफ दीस पे भी फोकस करना। टू नंबर आर इन द रेशो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, तो फाइंड द नंबर, बताइए नंबर क्या है। तो मेन है कि यार नंबर पता लग, एचसीएफ पता लग जाए, एक बार एचसीएफ पता लग जाए तो करना क्या होता है, जो नंबर रेशो में दिए गए उनमें मल्टीप्लाई करो, नंबर्स आ जाएंगे, क्लियर है ना क्या कह रहा हूं मैं। बाकी बच्चे यार इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चार बच्चों के आंसर हैं, बाकियों के भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये इतना भाव ना दें इसको। सौरभ बढ़िया, डर यार तो देखें एक बार क्या होना चाहिए इसका। देखो सीधी सी बात है, दो नंबर के रेशो दे रखे हैं, दैट इज 3:4 मुझे दिया हुआ है। अब मुझे पता यार कि दो नंबर के को प्राइम फैक्टर इंटू में, दो नंबर के को प्राइम फैक्टर इंटू में इनका एलसीएम, सॉरी दो नंबर के कोप्राइम फैक्टर इनटू में इनका एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम के, यू नो ए इनटू बी इनटू एच इज इक्वल टू एल होता है। 4 3 12 12, इसको सीधा सीधा 7 पे कट करेगा, एच की वैल्यू 7 आ गई आपकी, नंबर्स आपको बोले गए थे 3:4, तो आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा 21 और 28 हो जाएगा, सही है जी बात। आई होप क्लियर है सभी को, कह सकते हैं ना कि हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें यार, मान लो कुछ और मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर दे रखा है, दैट इज मैंने कहा दो नंबर के रेशो हैं, दो नंबर के रेशो हैं 5:3, और इनका जो दोनों नंबर का एलसीएम जो है, ठीक है, दो नंबर का रेशो ये है और इनका जो एलसीएम है दैट इज 135, और मैंने कहा बताओ नंबर क्या है, बिना पेन चलाए बताना, पेन मत चलाना कोई भी, दो नंबर के रेशो है 5:3, अगर इनका एलसीएम 135 है तो बताओ नंबर क्या है, ठीक है, पेन चलाने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही बता दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा पेन चलाने वाली कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट, 45 27 45 27, नहीं रिया चेक करूं, गलती हुई है शायद कुछ,
ठीक है, सिंपल प्रोसेस है ना। मैंने क्या बताया यार, कि मैंने कहा कि कोई भी देखो, अगर कोई भी दो नंबर रेशो में दे रहा है, अगर आपको कोई भी दो नंबर कह रहा है कि उनका रेशो दिया हुआ है, दैट मीन्स उनके को प्राइम फैक्टर दिए, क्योंकि को प्राइम ही तो है जो आप फर्दर नहीं कैंसिल आउट होते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करा है, स्मॉल ए बी फॉर्मूला क्या था, स्मॉल ए बी इंटू में एस सी एफ इंटू इज इक्वल टू एल सी एम, यानी कि 5 × 3 इंटू में एस सी एफ, जो मुझे नहीं पता एल सी एम कितना, 135 है, 5 × 3 = 15 होता है, 15 इसको कट करेगा 9 पे, एस सी एफ 9 आ गया मेरा। अब नंबर बताने तो क्या करो, 5 में 9 मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 के अंदर भी 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 और 27 आंसर होगा। आ रही बात पकड़ में? ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ सर समझ आ गया। अच्छा इसी में अगर मैं लिख दूं यार, 3 नंबर है, मान लो 3 नंबर है, 3 नंबर का जो रेशो है, 3 नंबर का रेशो, सपोज मैंने आपको बोल रखा है 2:3:5, ठीक है, 3 नंबर का रेशो इतना है, और जो एलसीएम है इसका, एलसीएम है सपोज इसका 420, और मैं कहता हूं कि बताओ ये नंबर्स क्या है, 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो उनका रेशो है 2:3:5, एलसीएम है 420, तो बताओ ये नंबर क्या है। ऑरली करना, पेन मत चलाना यार, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ। आपके सामने चाहे कितने नंबर हो, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर नंबर तक चल कर लिए चलो यार मैंने, ठीक है, ये सभी नंबर को आप एस सी एफ पे ब्रेक कर सकते हो। तो एस सी एफ पे मान लो ब्रेक करने के बाद एच ए आ रहा है, ये एच बी आ रहा है, ये एच सी आ रहा है, ये एच डी आ रहा है, तो एच से जब आप इन सबके को प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी डी को, तो आपका आंसर एलसीएम के बराबर ही आता है। और मेन है एस सी एफ पता लगाना, एक बार एस सी एफ पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, को प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 5 × 3 = 15 और 2 = 30, 30 से इसको ले जाके कट करोगे 14 आ गया, अब 14 सब में इंटू कर दो, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, तो आंसर क्या, क्या समझ गए ना क्या करूं मैं, आप उठा करके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 = 15, 2 = 30, 30 से इसको देखो कितने पे जाएगा, 14 पे जाएगा ना, बस दैट्स इट, 14 14 इंटू कर दो सबके अंदर, कितना आ जाएगा आपका 28, 42 और 70, बात खत्म। सही है सही है सही है सही है, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब कई बार जैसे एग्जाम में 4 आ जाते हैं, अब बच्चा ना वहीं रहता है, 4 नंबर आ गए ना, जैसे 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, सर मैं तो 2 नंबर का फॉर्मूला याद करके आया था कि फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर इंटू करो तो आंसर एस सी एफ इंटू एलसीएम के बराबर आता है, सर आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना है, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, इतना ओवर रेट कर देता है। मेरे भाई थोड़ा सही से पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ बाद में। अब मान लो मैं आपके सामने 4 नंबर लिख दूं, भले मैंने कहा 4 नंबर है, ठीक है 4 नंबर है, और 4 नंबर का रेशियो चलो मैं लिख देता हूँ 2, 3, 7 और कुछ भी, लाइक 2 लिख दिया मैंने, 2, 3, 7, 2 लिख दिया, और मैंने बता दिया, मैंने कहा इसका जो एलसीएम आएगा इस पूरे नंबर का, इस पूरे नंबर का एलसीएम कितना आएगा, तो इस पूरे नंबर का सपोज मैंने आपको एलसीएम बता दिया 2520 भी कर देता हूँ, चलो 2520 मैंने कहा इन सबका एलसीएम है 2520, बताओ ये नंबर क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या, अगर आपका एलसीएम बता दिया, मैंने पूछा बताओ नंबर क्या है, तो क्या लगता है, 4 नंबर आर इन द रेशो 2372, लो 4 नंबर, 5 नंबर कितने कर दो यार, फर्क क्या पड़ता है, सारे के सारे इनको प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84, 84 मैंने बोला है 252, 84 से 252 का कनेक्शन सोचो, समझ गए ना, सोचना है, ये नहीं करना है कि सर 252 अपॉन 84 तो सर देखो मैं 2 से काटूंगा फिर 3 से काटूंगा, तो इतना टाइम पर इतना खेलना नहीं आपको बैठ के, ठीक है, इवन कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि कैट में कैलकुलेटर मिलता है, और पता लगा इतनी सी कैलकुलेशन के लिए वहां कैलकुलेटर खोल के ऐसे टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपका सिर्फ, ठीक है ना, सीधी बात है 3 पे कनेक्ट होता है, राइट, इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 84, 84 का कनेक्शन इससे कितने पे जा रहा है आपका, कितने पे जा रहा है, दैट इज 30 पे, है ना, 3 के हिसाब से 30 पे चला गया, तो बस उसके बाद 30 30 इंटू करो सबके अंदर, इसमें 30 इंटू कर दो 60 आ गया, ये कितना होगा 33 90 हो जाएगा, 3 7 210 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बस डन है, आई होप क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, लेकिन उस पर आने से पहले फटाफट से अपना कुछ इंट्रोडक्शन एंड ऑल ये सब मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है,
तो यार मेरा नाम है रमन तिवारी, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, मोर देन 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग कैट्स एट IIFT एंड आईपी मैट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, यहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर ही लो, ठीक है। बहुत सारी हेल्प हो जाती है यार, एक तो किसी भी चीज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई आपका डाउट है, आप पढ़ रहे हो, वो डाउट भेज दो, उसके सोल्यूशन जो है, या तो अक्सर बच्चे ही बता देते हैं, कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यार ये कुछ बैचेज हैं जो कि 25 अगस्त, 25 अगस्त और 25, तीनों ही 25 अगस्त को शुरू हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग टारगेट के साथ। ये वाला बैच टारगेट कर रहा है कैट 21 को टारगेट कर रहा है, और ये सारे के सारे जो भी है ना यहाँ पे एडुकेटर जो दिख रहे हैं, सब टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, ठीक है। ऐसे कैट 22 को भी टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये MSCET को टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बग्स बाउंटी एक फीचर है यार, अगर आपको किसी भी एडुकेटर की वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट देखने सुनने जानने को मिल रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट कर दीजिए, ओके, और अपना प्राइस जो भी है क्लेम करो। प्राइस अगर आप देखते हो सब्सक्रिप्शन, आपको प्लस और आइकॉनिक नाम के दो सब्सक्रिप्शन दिखते हैं। प्लस में चलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट होता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब, और वेल स्ट्रक्चर वे में कोर्स देखने को मिलता है। जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो ये लगती है कि आप पॉइंट इज अपना एडुकेटर चेंज कर सकते हो, यू नो, कोई चैप्टर आपको लगा यार कि सपोज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको लगा ठीक है मजा नहीं आ रहा उस लेवल का, किसी और को आप ट्राई कर लो। ऑफलाइन वाला सिस्टम ये है कि एक बार फीस दी और फंस गए, ठीक है। कई बार होता है ना वहाँ पे कि लाइक अब तो यही टीचर रहेंगे, कई बार बाद में ट्यूनिंग नहीं होती यार, एक दो चैप्टर के बाद समझ नहीं आ रहा होता तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं, अब तो फीस चली गई। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एडुकेटर, आप किसी अदर से भी पढ़ सकते हो। आइकॉनिक क्या है, आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस है, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस है आपके लिए। इनका डिफरेंस जानने के बाद अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर पे, तो यार अच्छा एक और चीज जानेगा, 3 मंथ वगैरह के भी फीस स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे कुछ कैट के बच्चे होंगे, सर मेरे तो 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो मेरे भाई आप 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, आपको दिख जाएगा इसके अंदर 3 मंथ के भी सब्सक्रिप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए है 16,400, फॉर 12 मंथ 22,550, फॉर 24 मंथ 32,800। बाकी आप कोड यूज करना, RMN10 कोड यूज करो, ताकि आपको 10% का और डिस्काउंट मिले, या और भी किसी अदर फायदे क्या कोड के यार, अगर मान लो किसी अदर तरह का कोई और ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से शायद आपको और डिस्काउंट मिल सकता है, तो कई बार नहीं पता होता, हमें तो इतना पता भाई 10% तो फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, राइट। मेरा कोड यूज करोगे 10% का डिस्काउंट फिक्स है कि मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर कोई और ऑफर चल रहा है तो वो भी आपके उसके लिए वैलिड हो जाएगा। आप कोड यूज करना RMN10, ठीक है। फॉर 12 मंथ 39,500, फॉर 24 मंथ 59,999, रेस्ट कोड यूज द कोड RMN10 कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट या जो भी फर्दर उसमें फैसिलिटीज है वो सब मिलेंगी। आइकॉनिक के अंदर अगर मैं बात करूं 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, जिसमें आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हो, एग्जाम की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो, स्टडी प्लान बना सकते हो, और यहाँ जो आपको आपके मेंटोर होंगे वो डायरेक्ट बी स्कूल के ग्रेजुएट ही होंगे। आई एम बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकटा, बैंगलोर के ही कुछ एडुकेटर्स आपको मिल रहे होंगे। और यार ये अगेन कुछ ऑफर है, दैट इज आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 मंथ पे 3 मंथ फ्री, 24 पे 3 मंथ फ्री, तो ये भी आप एक बार ध्यान दें। और यार ये एक चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्योमेट्री। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ये लिखा है कि 1 सितंबर से मैंने ऐप पे, अनअकैडमी ऐप के ऊपर मैंने ज्योमेट्री पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाना है। तो जब मैं फ्री होगी क्लासेस, ये स्पेशल क्लास ही करेंगे, ठीक है, और कंप्लीटली फ्री होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान देना, उस टाइम पर आकर के ज्वाइन करना, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में छोड़कर आते हैं, मतलब मैक्सिमम का ना, जैसे आपको लगे सर मेरी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है, तो आप अलग नहीं हो, बहुतों की ज्योमेट्री अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप अलग अपने आप को मत समझो कि एक लौता मैं हूं जिसकी ज्योमेट्री खराब है, यहाँ सबकी ज्योमेट्री खराब है, ठीक है, उस लेवल पे पकड़ नहीं है, उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी, ठीक है। तो ये चीज आप समझो कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर है ना, मैक्सिमम लोग ज्योमेट्री छोड़ के ही आते हैं, और आपको क्या करना, आपको सिर्फ एग्जाम अच्छा नहीं, मतलब पॉइंट ये नहीं है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया, आपका एग्जाम बाकियों से अच्छा गया या नहीं गया ये मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए ज्योमेट्री जैसे चैप्टर हमें जरूर करने हैं, तो इसकी जो क्लास होगी मैं ऐप पर लूंगा। कुछ बच्चे सर ऐप पर क्यों, यूट्यूब पर क्यों नहीं, तो यार ऐप के ऊपर ना थोड़े कलरफुल पेन या फिर ये सब डायग्राम वगैरह के लिए काफी सारे फैसिलिटीज है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ऐप पर ज्योमेट्री पढ़ाना, दैट्स व्हाई, और कोई खास रीजन नहीं है, ठीक है। और बाकी यार 5 PM और 8 PM यहाँ पर डेली क्लासेस चलती है अनअकैडमी कैट फॉर MBA नाम के यूट्यूब चैनल पे, 2 PM और 11 PM में आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है। और खास बातें बताएं आपको, लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, पोल सिस्टम है, हैंड रेस के ऑप्शन है, क्लास मिस ना करें, नोटिफिकेशन आता रहता है, लेक्चर के नोट्स आपको PDF फॉर्म में तुरंत मिलते हैं, और एनी टाइम एनीवेयर आप इसको एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। और बाकी यार ये एक ध्यान रखना यार, देख लो आपके मतलब की चीजें लग रही है मुझे तो, ठीक है, कईयों को बड़ा एक्साइटमेंट होती है इनको लेकर के, फोन हो गया या आपके क्या है, आई थिंक होम थिएटर समथिंग व्हाटएवर, जो भी स्पीकर एंड ऑल, स्मार्ट वॉच होगी, तो ये सब जो आप ये पार्टिसिपेट करते हो कॉम्बैट सेशन के अंदर, तो उसमें ये भी कुछ प्राइजेस हैं जो आप जीत सकते हो, तो मेरे हिसाब से करो पार्टिसिपेट, कोड यूज करें RMN10 मेरे आशीर्वाद के लिए, ठीक है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। और बाकी यार अनअकैडमी इज लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर फ्रॉम कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, तो इसमें भी जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। इन सबके लिंक आपको आई थिंक यूट्यूब पे नहीं तो आपके ऐप के ऊपर आपको लिंक मिलेंगे, क्रिएटेड लिंक मिल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है डन है जी, तो चलो आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ठीक है एक बार ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अच्छा पोल, सॉरी तो मैंने यहां पे बोला द सम ऑफ द टू नंबर इज 462 एंड देयर एससीएफ इज 22, मतलब दो नंबर है जिनका सम है कितना है 462 है और उनका जो एससीएफ है दैट इज 22। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, आप ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बना सकते हो जिसमें कि जो सम है दैट इज 462 एंड एससीएफ इज 22। जैसे यार कोई भी दो नंबर सोच रहे, जैसे 400 और 462 उनको ऐड करने पर आपका 462 आता है, पर क्या उसका एससीएफ 22 है? तो ऐसे कितने नंबर है जिनको ऐड करने पे, कितने पेयर है ऐसे जिनको ऐड करने पे 462 आ जाए और उनका एससीएफ कितना हो 22 होता हो। ठीक है ये आपको बताना है। अंश क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिया बहुत अच्छा, रिया अली बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बहुत ही बढ़िया। छोटा सा अभी तक क्विज हुआ है जिसमें अली 3 out of 3 है, बोधन 2 out of 3 है, हिमांशी 2 out of 3 और ऐसे ही चल रहा है। ठीक है खैर यहां पर ध्यान देना आप लोग, यहां पे मैंने बोला था सम ऑफ द टू नंबर इज 462 एंड देयर एससीएफ इज 22, कितने पेयर ऐसे पॉसिबल है। देखो यार दो नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है, दो नंबर को ऐड करने पे आ रहा है 462। मुझे पता है दो नंबर को जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसे 4 एससीएफ विच इज 22, तो पहले नंबर को 22A लिख सकता हूं मैं, दूसरे को 22B लिख सकता हूं, यहां पे 462 आएगा। अगर मैं 22 कॉमन निकालूं तो A प्लस बी की वैल्यू 462 आ रही है, अगर मैं 22 से इसको कैंसिल आउट करूं तो A प्लस बी मेरा 21 आ रहा है। अब आपने सोचनी है ये बात, आपने दिमाग लगाना है कि ऐसे कितने को प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे कितने को प्राइम नंबर है जिनका सम 21 होता है, ऐसे कितने को प्राइम नंबर है जिसका सम 120 जिसका सम 21 होता है। तो मैं शुरू करता हूं, जैसे 120 1 और 20 को ऐड करोगे 21 आएगा, को प्राइम है। 2 और 19 21 आएगा, को प्राइम है। 3 18 प्लस करने पे 21 आ रहा है पर को प्राइम नहीं है, ये दोनों 3 से कट जाते हैं। 4 और 17 ऐड करने पे 21 आता है और को प्राइम भी है। 5 और 16, 16 5 21 को प्राइम भी है, बढ़िया है जी। और क्या हो सकता है, 6 और आई वुड से 15, नहीं गलत हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में कट जाएंगे। 7 और 14 गलत है, 7 से कट जाएंगे। 8 और 13 सही है जी, किसी से नहीं कट रहे। अच्छा और 8 हो गया 9, 9 और 12 गलत है, कैंसिल आउट हो रहे। 10 और 11 सही है, 11 और 10 अब रिपीट होने लग जाएंगे, अगर आप देखो 11 10 12 ना अब रिपीट हो रहे हैं। कितने पेयर सही निकले मेरे, कितने पेयर सही निकले, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पेयर मेरे सही गए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया समझ में आप सभी के, पकड़ में आई बात, एक बार यस नो में बताओ यार। मेथड ये है, तरीके से जो बेस्ट मेथड है वो ये है, उससे अलग अगर आपने कुछ मतलब यू नो रैंडम सोच के कुछ आइडिया लगा के आंसर किया हो तो वो एक अलग बात होगी, वरना प्रॉपर तरीका यही होता है करने का। और जिसमें अगेन वैसी बातें मत करना है, कई बच्चे ना पहले मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन्हें समझाने में कि नहीं बेटा देख तेरे नोट्स बनवाने के लिए, अब मैं कई बार थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता हूँ उस पॉइंट पे ना, कई बार ना बंदे सर इतना लिखूंगा, क्यों नहीं समझ आता कि आप लोग के नोट्स बनवाने के लिए इतना लिख रहा होता हूँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो मैं क्यों ये सब लिखूंगा कि 1 + 2 = 462, 20a 22a + 22b बराबर
क्या लॉजिक है इस बात का यार? इट्स ऑब्वियस कि जब बंदा एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेगा तो सीधा लिखेगा ना कि उसको तो मन में हो गया कि 22 है, 22 भी, 22 कॉमन निकालो, वो बस ये देखेगा कि 462 को 22 से डिवाइड करके 21 आ रहा है, यानी कि भाई मुझे दो को प्राइम नंबर सोचने जिनको ऐड करने पे 21 आए, और फिर फटाफट से अपने पेयर लिखता चला जाएगा और एंड में 6 पेयर होंगे, बात खत्म। पर मैं ये ऐसे लिखवाऊंगा आपके नोट्स, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे लिखना है तो ये जो मैंने लिखा इसका क्या सेंस बना? तो ताकि आप लोग, क्या होता है ना देखो, अभी आपको मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, पर थोड़े टाइम बाद आप लोग भूल भी जाओगे ना चीजों को, सबके साथ होता है यार। थोड़े टाइम बाद मुझे क्यों याद है, मैं तो चलो रेगुलर प्रैक्टिस में हूं तो मुझे याद रहेगा। बीइंग अ स्टूडेंट हमें नोट्स ढंग से बनाने चाहिए, अगर आप लोग नहीं बनाते तो मैं यही सजेस्ट करूंगा नोट्स ढंग से बना लिया करो इन सब चीजों के। पहला जो मान लो इसी तरीके के मैंने आपको तीन क्वेश्चन करा दिए, तो जो पहला क्वेश्चन है उसके नोट्स ढंग से बनाओ। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कुछ एक बात एक्स्ट्रा लिखने का मन है, कि कुछ और एक्स्ट्रा लिखने का मन है जिससे कि आपको बाद में जब आप रिवाइज करो तो याद आ जाए, अगर आप ये सोचो, सच बताओ कई बंदे होते हैं कोई नहीं वीडियो दोबारा देख लूंगा, यार कैसी बात करो, वीडियो देखने में पता कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप सोचो मैं वीडियो में दोबारा देख लूंगा, एक तो वापस वीडियो कौन सी है, उसके बाद उस वो 22वें मिनट पे मैं बात कर रहा हूँ उस बारे में, 15वें मिनट पे बात कर रहा हूँ, आपको क्या पता उस तक पहुंचने में कितना टाइम तो आपने वैसे ही वेस्ट कर दिया। उससे बेटर है नोट्स ढंग के बना लो ना, ताकि बाद में रिवाइज करो तो अपने आप ही चीजें याद आ जाए, ठीक है ना। अब अपने जबरदस्ती व्यूज कमाने के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं कि नहीं नहीं लिखो मत, मेरी वीडियो दोबारा देख लेना, कैसी लॉजिकल बात भी तो होनी चाहिए ना यार। आप सीधा सा देखो उसको और नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है, ताकि बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, टाइम बचे आपका। चलो एक मैं पूछता हूँ यार, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर, और नोट्स नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले लो कम से कम यार, बाद में लिख लेना। सम ऑफ टू नंबर इज सम ऑफ टू नंबर इज 221, ठीक है, एंड देयर HCF एंड देयर SCF इज, इसके तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, चैट में फटाफट आंसर बताना। सम ऑफ टू नंबर इज 221 एंड देयर SCF इज 17, तो फाइंड सच पेयर, आप समझ गए क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं, फाइंड सच पेयर, ऐसे कितने पेयर हैं ये बताओ। दो नंबर जो है उनका सम है, सम ऑफ टू नंबर इज 221 और इनका जो SCF है वो आपका 17 है, तो बताइए ऐसे कितने पेयर है। सिमरन 4 जो कि गलत है, बोधन 6, अंश 6, अली 6, रिया 6, बहुत अच्छे। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पर यू नो पहला नंबर होगा 17A, दूसरा होगा 17B होगा, ऐसे मैं यू नो को प्राइम के सेंस में ब्रेक कर सकता हूँ। 221 आएगा, 17 कॉमन निकाला, a प्लस बी बचा इक्वल टू में 221 है, तो ऐसे a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, इसको कैंसिल आउट करेगा 13 आएगी। कितने पेयर ऐसे हैं यार, 1 और 13 बिल्कुल सही है, 2 के हिसाब से 11 सही है, 3 के हिसाब से 10 सही है, 4 के हिसाब से 9 सही है, और 5 के हिसाब से 8 सही जा रहा है मेरा, और 6 के हिसाब से 7 सही, ये तो सर वैसे जितने पेयर बने सभी सही गए, ठीक है, बढ़िया है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आते हैं आज के अगले प्रश्न की और, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का अच्छा क्वेश्चन है जो कि, ठीक है, प्रोडक्ट है दो नंबर का, एक सेकंड रुक जाना मैं जरा एक चीज क्रॉस चेक कर लूं, क्वेश्चन का डेटा तो ठीक है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है।
ओल यार आई डोंट नो, क्लिक हो रहा है बट क्या दिक्कत आ रही है, क्रिएट नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या इशू है। देखो आप लोग चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, तो देखेंगे। आप लोग करो एक बार सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन, अंश डी, रिया डी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6845। अगर इनका एचसीएफ जो है दैट इज 37। अब इसमें प्रॉब्लम बताया गया ना, इस क्वेश्चन में बच्चे वहां जाके फंस जाते हैं, जैसे वो ना कई बार इसमें सेंस में ले जाते हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यू नो, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो फटाक से लिख देते हैं कि सर यहाँ पर 6845 आ गया, यहाँ 37 आ गया, 37 से डिवाइड कर दिया, 185 आ गया, तो उनका एलसीएम 185 आ गया, फिर क्या हो गया? पॉइंट इज एचसीएफ एलसीएम आ गया, उससे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये कैसे पता लगेगा, समझो आप लोग। फिर उसके बाद वो ए बी पे जाएगा, तो उसने, ठीक है, ग्रेटेस्ट कैसे पता लगा, राइट? इससे क्या फायदा होगा? तो उससे बेटर आप ये वाला पॉइंट उठाओ कि यार फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 6845, ठीक है। फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 37A, है ना, क्योंकि एचसीएफ 37 है, और दूसरे को 37B लिख देता हूं मैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 6845। जब मैं 37 से इसको डिवाइड करूंगा 185 आएगा, फिर मैं 37 से इसको डिवाइड करूंगा 5 आएगा, यानी पॉइंट इसकी दो को प्राइम फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन 5 हो, एक ही है, दैट इज 1 × 5। वन, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू आपकी 15 हो गई। अब इनके अंदर जब आप 37 37 इंटू करोगे तो आपको दोनों नंबर पता लग जाएंगे, दैट इज 37 और 185। आई बात पकड़ में? तो ये फॉर्मूला इसलिए बड़ा काम का, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा, यू नो, दमदार लगता है, कि ये काफी हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशन के अंदर। आया समझ में आप सभी को? एक बार यस नो में बता दो यार, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अली, दिव्या, अंश, सबको क्लियर है बात? कह सकते हैं ना कि हाँ सर समझ आ गया, बोधन, सही है, सही सही, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, और ये सम में मल्टीप्लिकेशन में बड़ा हेल्प करता है, क्या पता पेयर भी पूछ सकता था, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर ये आपसे ये भी पूछ सकता था, बताओ पेयर कितने बनेंगे, तो एक ही पेयर बनेगा बस, ऐसा, क्योंकि एक ही बनी थी पॉसिबिलिटी कि दो को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, ऐसा एक ही है, दैट इज 1 और 5, ठीक है। तो एक अगर पेयर पूछता तो एक ही पेयर बनेगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर पूछा तो वो आप बता दो, ठीक है। इसका आंसर बताओ इसके लिए, तो आई थिंक 30 सेकंड इज इनफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम कितने बच्चों के बीच में आप 1001 पेन और 910 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, हर किसी को सेम नंबर ऑफ पेन और पेंसिल्स मिले। कई बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। देखो यार ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको मेनली फोकस करना होता है एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर, है ना। अगर आप ये देखोगे इसमें सीधा सीधा एचसीएफ ही आंसर, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होने चाहिए, सीधी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास इतने बच्चे होने चाहिए जिनके बीच में 910 में 10 पेन इक्वली डिवाइड कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ऐसा नंबर होगा जो 910 को डिवाइड करता है और 1001 को डिवाइड करता है, मतलब कि कॉमन फैक्टर, राइट? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 910 और 1001 का, राइट? और इसका एचसीएफ निकालने का ये तरीका, आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप सुन लेना, जैसे 910 और 1001 अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो सीधी बात है इनके बीच का डिफरेंस देखा करो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, इनके बीच में डिफरेंस है 91 का, तो जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ या तो होगा 91 या फिर फैक्टर ऑफ 91, या तो फिर फैक्टर ऑफ 91। 91 के फैक्टर क्या होता है, 91 13 के टेबल में आता है, 17 के टेबल, 7 के टेबल में आता है ना, 7 और 13 के टेबल में आता है, या फिर सीधा 1 के टेबल में। तो इसका जो एचसीएफ है वो या तो 1 होगा या 7 होगा या 13 होगा या फिर 91 होगा, लेकिन आपने ऑप्शन पे नजर मारी 91 दिया हुआ है, बात खत्म हो गई। ये तरीका पता था कई, कितनों को पता था, एक बार यस नो में बताना, मतलब पहले कभी बात करी है मैंने इस चीज के ऊपर, कि अगर आपके सामने दो नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है, पता है ना बोधन, आई थिंक बोधन पहले भी बात करी है इस बारे में हमने, राइट? है ना, बस ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें यार, अगर आप, क्योंकि आप सिंपल पैटर्न यार देखो, अगर आप अपने साथ कोई भी, अगर आप जैसे 14 है, 14 का टेबल लिखो क्या होता है, 14 28 42 56 70 84, कोई भी नंबर उठा लो, इनके कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई जो मन करे, इन दोनों को उठा लो, इनके बीच में गैप क्या आ रहा है, इनके बीच में गैप आ रहा है कितने का आ रहा है, 42 का आ रहा है, और 42 17 का मल्टीपल होता है,
ये उठा लो इसके बीच में, हाई 14 का गैप, दो नंबर का गैप उठा लो इसमें बीच में, 28 का गैप, तो काइंड ऑफ मेरा कहने का मतलब है, हालांकि तीन नंबर उठा लिए मैंने, दो नंबर उठा लो तो 28 का गैप, तीन नंबर उठा लो 42, तो जिसका आप टेबल यूज कर रहे हो ना, या तो मतलब जो गैप है ना वो उसका एक मल्टीपल ही होगा गैप, राइट ना, तो ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खैर जी, ये एक पॉइंट था इसको, जो कि सही आंसर है आप लोगों का, एंड इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए। मैंने बोला शर्ट मार्क विद अ सर्टेन ऑफ शर्ट मार्क विद अ सर्टेन प्राइस इज सोल्ड फॉर रुपीज 1200 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट, एक शर्ट है जो कि एक अ शर्ट विद अ सर्टेन प्राइस इज सोल्ड फॉर रुपीज 1200 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट 16.66%, 20%, 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, बताइए शर्ट का मार्क प्राइस कितना है। बढ़िया अंश, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्या चल रहा है लीडर बोर्ड देखें, बोधन 3 out of 5 और अच्छा अली थोड़ा, मतलब सबके 3 out of 5 हैं जितने भी बच्चे एक्सेप्ट सौरभ, सौरभ ने आई थिंक बाद में पार्टिसिपेट नहीं किया। 16% 16.66% का फ्रैक्शन 1/6 होगा, 20% इज 1/5 होगा, 10% इज 1/10 होगा ना, ये सब सिखा रखे मैंने आपको, सक्सेसिव है, डिस्काउंट है, सबको माइनस कर करके लिखोगे, जैसे कि 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, 10 से 9 हो गया, ऐसे कर करके, राइट, क्रॉस में कुछ कटे तो काट दें, ऐसे 5 5, ये 1 पे गया, 1 पे गया, 2 के टर्म में 2 पे गया, 2 के टर्म में 3 पे गया, 3 के टर्म में कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, और कुछ खास नहीं, तो ये 10 हो गया, 6 हो गया, और 6 की वैल्यू मैंने बोल रखी है 1200 इंटू कितना करना पड़ेगा 20, 200 इंटू करना होगा, सेम 200 यहाँ कर देना, योर आंसर विल बी 2000, समझ गए ना, तो इस हिसाब से 2000 विल बी द आंसर, डन है बात, आई होप समझ आ रही है बात आप सभी को, ठीक है, तो ओके, तो ये था यार आज का एक सेशन, क्योंकि 7 PM मेरी कुछ अदर क्लासेस हैं, ठीक है, तो 5 मिनट पहले भी मैं इसलिए इसको ओवर कर रहा हूँ, बाकी हम लोग यार 8 PM मिलेंगे, ध्यान रखना कल वाली क्लास में काफी ये सारे बच्चे थे, रिया, बोधन, अली, 8 PM वाली क्लास होगी, अभी 8 बजे एक और क्लास लूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्विज कराऊंगा मैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को ही क्यों पकड़ा है मैंने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बेसिकली रिविजन करा रहा हूँ बच्चों को उस क्लास में, तो रिविजन मैं थ्रू क्विजेस करा रहा हूँ, ताकि एक इंटरेस्ट बन जाता है क्विज से ना, वो पोल वोल रहता है ना, तो एक माहौल बना रहता है क्लास का, ठीक है, तो मतलब एक इंटरेस्ट बना रहता है, तो दैट्स व्हाई, तो बाकी हम लोग मिलते हैं यार 8 बजे मिलते हैं, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस थे पर उसके ऊपर करेंगे बातें, डन, तो और बाकी यार ऐप के ऊपर प्लस कैटेगरी कैट, वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन, क्या प्लस और आइकॉनिक में क्या फर्क है, क्या फी डिफरेंस है, आप लोगों को सब कुछ पता है ऑलरेडी, ठीक है, और बाकी यार RMN10 कोड आप यूज करें, ताकि आपको 10% या फिर जो भी XYZ ऑफर चल रहे हैं, जो शायद आपको पता भी नहीं है, आप कोड डाल देना, आपको सारे ऑफर अवेल हो जाएंगे, ठीक है ना, आप ये कोड डाल देना 10%, तो वहां पे जो भी XYZ ऑफर चल रहा होगा वो सारे ऑफर के फायदे आपको मिल जाएंगे, आप बस कोड डाल देना, क्या RMN10, रमन का शॉर्ट फॉर्म RMN और 10, ठीक है, चलो जी, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही यार मेरी साइड से, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आफ्टर 1 आवर यानी कि 8 बजे, चलो ओके रिया।